कामदेव को समाप्त करने वाले, उसके अहंकार का नाश करने वाले भगवान शंकर हम पर कृपा करें, ऐसा रामकथा के अनन्य वाचक और सनातन धर्म की ज्योति, जिनकी कवित्व शैली के कारण विश्व भर में बची रही, पूज्य बाबा तुलसी ने ऐसा कहा। मैं सोचता हूं कि शंकर और राम एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के आराध्य और आराधना दोनों हैं, लेकिन ये कामदेव का संबंध दोनों से अलग अलग कैसे हुआ? जिस उज्जैनी में मैं बैठा हूं, इसी उज्जैनी के महान लेखक शकार विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, भारत के सांस्कृतिक महाकवि कालिदास जी ने ऋतु संहार में जो वर्णन किया है, या आप्त कथाओं से जो वर्णन आता है, उसको पहली बार में पढ़ने पर मुझे कामदेव का कोई दोष नहीं लगा। मुझे लगता था बचपन से जब मैं पढ़ता था कि कामदेव का क्या दोष था जो भगवान शंकर की तीसरी आंख से निकली हुई प्रलय ज्वाला में वो भस्म हो गया। और कालिदास जी ने कामदेव की पत्नी रति के विलाप का इतना सुंदर, इतना रससिक्त वर्णन किया है कि नागार्जुन तो ये तक शंका करते हैं कि रति रोई थी कि आप रोए थे। शिवजी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में दत्त मिश्रित सुखी समधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, कालिदास सच सच बतलाना रति रोई या तुम रोए थे। आपने पढ़ी होगी ये कविता। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख तगन में श्याम गनगटा विदुर यक्ष का मन जब मचला चित्रकूट के सुबक शिखर पर। बहुत अच्छी कविता है, मुझे बड़ी प्रिय भी। तो एक तरफ तो हमें ये बताया गया कि भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, और दूसरी तरफ जब मैं मानस पढ़ रहा था, वो मानस के माध्यम से स्वयं को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि भगवान अपने अनुज शेषावतार लक्ष्मण जी के साथ मिथिला की गलियों में जब गए और मिथिला की एक वाटिका में गए, और वहां पहली बार उन्होंने माता को देखा, हमारी को, भुवन मोहिनी भुवनेश्वरी भारतेश्वरी माता सीता को, तो उनके हृदय में काम ने प्रवेश किया और भगवान ने अपने भाई से कहा कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरई न काऊ। हमारा तो स्वभाव है रघुवंशियों का कि किसी बुरे पंथ पर हमारा पैर बढ़ता नहीं है। और कहते कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हे लक्ष्मण मानहु मदन दुंदुभी बाजी, ऐसा लग रहा है मेरे हृदय में कामदेव ने अपनी विजय का ट्रम्पेट बजा दिया, दुंदुभी बजा दी। एक बड़ा भाई, वो भी पिता के कद का बड़ा भाई, लक्ष्मण जिन्हें पिता ही मानते हैं, आप सबने पढ़ा बचपन से लक्ष्मण को पता चल गया था कि मैं पुत्र दशरथ का वेशक हूं, लेकिन मेरा जीवन तो भैया के चरणों में है। बारह ते निज हितपति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और मां से भी पूछने गए कि मां मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, भैया जंगल जा रहे हैं, मैं अयोध्या रहूं कि चला जाऊं, तो मां ने कहा कि जो पे राम सिया बन जाई अवध तुम्हार काम कछु नहीं। बेटा अगर राम और सिया जंगल जा रहे हैं तो अयोध्या, और मां ने यह भी कहा जहां राम तहां अवध प्रमाणा। तू कैसी अयोध्या की बात कर रहा है,
राम जहां बस जाएंगे वही अयोध्या हो जाएगी, ऐसा माता सुमित्रा ने। फिर अपने इतने छोटे भाई से जो बेटे जैसा है उससे प्रेम की बात करना, कि जिन सपने हूं परिनार नहेरी उनके मन में मदन की दुंदुभी बच गई। और शंकर जी के तीसरे नेत्र से निकली हुई प्रलय ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव का कोई दोष नहीं था। माता सती के दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में स्वयं को होम करने के उपरांत पूरी पृथ्वी में दग्ध हृदय लिए घूमने वाले शंकर को जब देवताओं ने सम्मिलित रूप से शांत होने की प्रार्थना की तो त्रयाक्ष भगवान ने कैलाश पर्वत पर अपनी धुनी जमाई और वे साधना में लग गए। इस बीच एक प्रसंग और आया कि सती जब दोबारा जन्म लेकर पर्वत के घर पैदा हुई, पर्वत राज के, उन्हें तो शंकर से विवाह करना ही था, तपस्या करने लगी। बाद में तपस्या जब दृढ़ होती चली गई तो एक पत्ते पर जीवित रहने लगी, अपर्णा कहलाई। शंकर ने समझाने के लिए सप्तऋषि भेजे भगवान ने। उन्होंने सप्तऋषि के साथ ऐसा शास्त्रार्थ किया कि सारे ऋषि चक्कर गिन्नियों के वापस लौट आए कि भाई ये नहीं मान सकते। अंत में भगवान के मन में आया कि देखूं तो सही कौन है और इतनी जिद पर है। भगवान उठे, जैसे थे वैसे ही चल दिए। शंकर इसीलिए एक साम्य के समाज के देवता है कि उनको कोई आभूषण नहीं लगता। जिस चिता की भस्म को अंतिम यात्रा का प्रतीक माना जाए उसे वो अपने दिव्य ललाट पर शोभित कर लेते हैं, और उनकी भस्म को दुर्वासा अपने माथे पर लगाकर नरक गए थे देखने के लिए। कुंड में झांका, कुंभी बाग नरक में अचानक स्वर्ग पैदा हो गया। यमराज ने पूछा ये कैसे हुआ? दुर्वासा हंसने लगे, बोले समझ गया कैसे हुआ, ये मेरे माथे पर मेरे शंकर की भस्म लगी हुई थी, मैंने झांका ये थोड़ी झर गई नीचे तो कुंभी बाग नरक भी स्वर्ग में बदल गया। मुझे आप लोगों के सौभाग्य से ईर्ष्या होती है कि आप ऐसे शहर में रहते हैं कि जिस भस्म के कुंभी पाक नरक के कुंड में पड़ जाने मात्र से नरक स्वर्ग में बदल जाता हो, आप उसी शंकर की भस्म रोज धारण करते हैं। उसी रूप में शंकर निकले और पहुंचे। महाकवि कालिदास कहते हैं कि खबर गई अंदर कि स्वयं शंकर आ रहे हैं मिलने के लिए, देखने के लिए। तो जिसके लिए इतना समय प्रार्थना में बिताया हो, जिसके लिए इतना अधिक समय चिंता में बिताया हो कि मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वे स्वयं उपस्थित हो जाए तो कैसा लगता है। हम तो बहुत सामान्य बोलने वाले हैं, सरस्वती की कृपा से, माता पिता के संस्कार से, गुरुओं के कारण, सत्संग के कारण थोड़ी इतनी लोकप्रियता है कि लोग जानते हैं। तो कई बार मैं ऐसे प्रशंसकों को देखता हूं, ऐसी प्रशंसिकाओं को देखता हूं, ये अनायास जिन्हें सामने मिल जाओ तो रोने लगते हैं, वो बच्चियां रोने लगती हैं, फिर उसे गले लगकर उन्हें कंधे से लगाकर शांत करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कभी मैं देखूंगी। हम तो मनुष्य हैं, सामान्य इच्छाओं से घिरे हुए, वासनाओं से घिरे हुए। परमात्मा स्वयं जिसके द्वार पहुंचा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी, चाहे वे स्वयं आद्य चेतना शक्ति पार्वती क्यों ना हो। महाकवि लिखते हैं कि मार्गा चला व्यति करा कुलतैव सिंधु, यहां संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, जैसे पहाड़ से उतरती हुई गंगा पूरे वेग से नीचे आ रही हो,
सीढ़ियों से उतरती हुई पार्वती आई और सीढ़ी के ठीक नीचे शंकर मिल गए। विशाल काय शरीर, कोमलांगी हमारी माता, जो व्रत के कारण वैसे भी कृशकाय हो चुकी थी, शंकर के सामने पहुंची। उज्जैनी के कवि, विश्व के सांस्कृतिक महाकवि कालिदास ने लिखा, मार्गा चला व्यतिकरा कुलदैव सिंधु, जैसे ऊपर से उतरती हुई गंगा के सामने अचानक कोई विशाल हिमालय का टुकड़ा आ जाए, शैलाधिराज तनया न ययौ न तस्थौ, न आगे जा सकती थी न पीछे जा सकती थी। आप सबको पता है कि विवाह हुआ, शंकर का विवाह भारत में बरातों की पहली परंपरा है। उससे पहले बारात नहीं निकली थी, पहली बार शंकर बारात लेकर गए और एक नया मानक हमारे भगवान ने तय कर दिया कि जब बारात के लिए जाएं तो जो ऋषभ के ऊपर बैठा है दूल्हा, घोड़े के ऊपर जो बैठा है, उसके अलावा नीचे जितने हैं सब बराबर हैं, चाहे फूफा हो चाहे चाचा हो, सब समान है, एक जैसे है। इसीलिए कई बार अलग तरीके के समूह को शंकर जी की बारात भी कह दिया जाता है। कहता भैया शंकर जी की बारात इकट्ठी कर ली है हमने, तो कई बार ऐसा होता है। भगवान ने पहली बार बारात निकालकर, वर यात्रा निकालकर यह सिद्ध किया कि अगर मंगल के काम के लिए जा रहे हो तो ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए, यह नहीं देखना चाहिए कि किसका पद बड़ा है किसका कद बड़ा है, सबको आना चाहिए। अब विवाह करके शंकर फिर समाधि में बैठ गए, लेकिन देवताओं को तो सेनापति चाहिए था, या तो शंकर मिले या उनके पुरुषार्थ का कोई अंश मिले। देवताओं ने मिलकर कामदेव से कहा कि भाई उनके मन में इच्छा पैदा करो, किसकी, कि वो संतति पैदा कर सके। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत होना चाहता हूं, ये इच्छा पैदा करो। कामदेव डेपुटेशन पे चले गए बेचारे, उनको क्या पता था कहां जा रहा हूं। उन्होंने पहले जाकर वहां वातावरण निर्माण किया, जैसे मेरे आने से पहले हमारी बेटी गा रही थी, हमारा ये छोटा प्यारा बेटा गा रहा था, ये वातावरण निर्माण है कि सब लोग बैठ जाएं, प्रकृतिस्थ हो जाएं, तो ठीक से बात हो सके। तो शंकर जी ने समाधि लगा रखी थी, कामदेव ने अपने पंच बाण चलाए, चारों तरफ बसंत फैल गया। बसंत कामदेव का प्रिय मित्र है, दोनों साथ साथ रहते हैं। वैलेंटाइन डे मनाने वाली नई पीढ़ी को पता भी नहीं है कि जिसे तुम आज आधुनिकता समझ रहे हो, हमारी ऋषि परंपरा ने कौमुदी महोत्सव के रूप में यह सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष पहले तय कर दिए। जब पूरे एक महीने आमोद प्रमोद मनाया जाता था और प्रकृति तक नए वस्त्र धारण कर लेती थी। व्याख्या वैज्ञानिक हो तो नए बच्चों की समझ में आएगी। जैसे विक्रम संवत, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस मंच से कि भारत के पुरुषार्थी बच्चे बच्चियां मेरे जीवन रहते या मेरे बाद, कभी वो दिन पुनः दिखाएं जब विश्व का कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार चलना शुरू हो जाए। संभवतः आपने मेरे कथन की गंभीरता पकड़ी होगी, मैंने कहा पुनः दिखाएं, मैंने ये नहीं कहा कि हम कैलेंडर बदलना चाहते हैं, मैंने ये कहा कि जो कैलेंडर बदल दिया गया है वो पुनः वही लौटे जहां था। तो मुझसे कई मेरे विश्वविद्यालयीय साथी पूछते हैं कि आप ना कई बार पोंगे जैसी बात करते हो, पूरी दुनिया कैसे जनवरी से हट जाएगी और आपने कहां बनाया कैलेंडर। मैंने कहा भाई मैं तुझे पूरी तिथि संशुद्धि बताऊंगा तो 3 दिन बीत जाएंगे और मैं परमात्मा के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। परमात्मा ने जिसको ज्ञानी बनाया है बहुत सोच के बनाया है,
और परमात्मा ने अगर किसी को प्रचंड मूर्ख बनाया है तो वो भी बड़े श्रम पूर्वक बनाया है। उसको ज्यादा सुधारना, ज्यादा अच्छा बनाना अगर परमात्मा की इच्छा में नहीं है तो मेरे बस की भी नहीं है। मैं तो क्या ही करूंगा, क्या तुझे सुधारा। मैंने उसको बताया कि वर्ष प्रतिपदा से पूरे विश्व का कैलेंडर चलता था और तुम भी मेरे साथ चलते थे नए साल में। कैसे? पहला महीना मार्च, आओ मार्च शुरू करें। मार्च का मतलब क्या है? चलो अब मार्च को फैलाइए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कौन सा महीना आ गया? सातवां। क्या नाम है उसका? सितंबर, सितंबर। इसके बाद महीना आ गया आठवां, अष्टम्बर, आठवां महीना। इसके बाद आ गया नौवां, नवंबर। इसके बाद आ गया दशवां, दशम्बर। ये पहले से चलते थे, आज की बात नहीं, हजारों वर्षों से ऐसा ही चल रहा था। लेकिन राजनीतिक रूप से, सामरिक रूप से हम परास्त हुए। जो जाति अपना इतिहास आत्ममुग्धता में गलत पढ़ती रहती है उसे इतिहास को भविष्य में सुधारने का अवसर नहीं मिलता। आपको सदैव इतिहास ठीक पढ़ना चाहिए और इतिहास का मतलब ही यह है कि उससे सबक लिया जाए। तो शंकर जागे, शंकर ने देखा कि अचानक बसंत कैसे आ गया, बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्हें पेड़ के पीछे छिपा हुआ कामदेव दिखाई दिया। भगवान को क्रोध आया कि इसकी इतनी हिम्मत, कहीं मुझ पर तीर साधे। तो उनकी तीसरी नेत्र से ज्वाला निकली। आजकल शरीर विज्ञान कहता है कि यहां कोई ग्लैंड है, पता नहीं उसका क्या नाम है, प्यूक्लिड ग्लैंड, सर्वाधिक संवेदनशील जगह है। ये आज कह रहा है 50 साल में, और हम लाखों वर्ष से कह रहे हैं कि शंकर के यहां पर एक नेत्र है जिसमें से संवेदना की अग्नि निकल सकती है, तब से कह रहे हैं। वो भस्म हो गया। एक कहानी ये हो गई। अंततः भगवान जागे और सेनापति कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय मिली। लेकिन कामदेव जब देह में ना रहे तो रति ने, उनकी पत्नी ने शंकर जी से कहा कि मेरा क्या दोष था, मेरे पति का क्या दोष था, वो तो ऑफिशियल ड्यूटी पर था, उनको तो देवताओं ने कहा था करके आओ, आपने उन्हें मार दिया। भगवान ने कहा हां बात तो सही है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं इसे जीवित तो नहीं कर सकता पर मैं इसे अशरीरी भाव के साथ जीवित कर दूंगा। जब तक प्रकृति चलेगी तेरा पति हर मनुष्य के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर विद्यमान रहेगा। कितना बड़ा वरदान कामदेव को मिला, कितना बड़ा वरदान। लेकिन यही कामदेव जब राम तक पहुंचा, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम तक, तो उनके हृदय में दुंदुभी बजने लगी। बस मैं यही आपको लाना चाहता था, अब आप पहुंच गए जगह पर। क्या अंतर है इन दोनों के बीच? लड़कियां प्रेम करें, लड़के प्रेम करें, इसमें क्या गलत बात है? लेकिन कोई बिटिया प्रेम के आवेग में माता पिता की सलाह, बड़ों की समझाइश दरकिनार करके 35 टुकड़ों में बरामद हो तो ये तो प्रेम का अपमान है। जो हमें सिखा रहे हैं कि हम प्रेम विरोधी हैं पश्चिम वालों, मेरे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया का एक भी मंदिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जब उनके पार्श्व में उनकी प्रेमिका राधा रानी खड़ी ना मिले। प्रेम के खिलाफ कौन है? हम मर्यादा के समर्थन में हैं। हम उस जलती हुई अग्नि के चारों तरफ होने वाले सात पैरों के साथ सप्तपदी के पवित्र बंधन के समर्थन में हैं। इन दो कहानियों का क्या मतलब है?
लता उठ तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुभाए। माता ने भी देखा हमारे पिता को और हमारे पिता ने भी देखा हमारी माता को, भारतेश्वरी सीता को, और प्रेम हो गया और विवाह भी हो गया। जनक ने कहा विवाह कर लो। एक राम कथा में यह भी आता है आध्यात्म रामायण में कि विश्वामित्र ने कहा विवाह कर लो, उन्होंने कहा पिताजी से आज्ञा मंगवाओ। विश्वामित्र ने कहा इसमें क्या समस्या है, यहां कर लो, पिताजी से आगे से दूसरी कर लेना, तुम्हारे वंश में तो परंपरा है। इसे कहते हैं मेरे राम। उन्होंने कहा मैं तीनों माओं का समान लाड़ला हूं, पर मैं सोच सकता हूं मेरी बड़ी मां के बाद जब दूसरी मां आई होगी तो मेरी बड़ी मां के मन में कुछ तो दुख का अंश गया होगा, और इन दोनों माओं की स्थिति में जब छोटी मां आई होंगी तो दुख का और अंश गया होगा। कोई भी परंपरा रही हो, पर ये राम आज ये मर्यादा स्थापित करता है कि मैं विवाह करूंगा तो एक ही और एक पत्नी व्रत जीवन भर पालूंगा। इसे कहते हैं मर्यादा का निर्धारण। यों ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है वो राम। एक तरफ काम को भस्म कर देने वाले शंकर हैं और एक वे भगवान जिनका तीर स्मरण करके भी सीता माता कहती है रावण से खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, हे मूर्ख तुझे पता नहीं है उसका बाण कैसा है। और ये कब कह रही है, जब ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं रघुवीर बाण बन के आया हूं, एक तरह से संकेत दे रही है कि तेरा कार्यक्रम अब समापन पर है। खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, क्योंकि पहली बार काम को भगवान राम ने कहा महसूस किया। कंकण किंकिणी नूपुर, नूपुर कहां पहने जाते हैं पैर में, किंकिणी कहां पहनी जाती है कटी में, और कंकण कहां पहने जाते हैं हाथ में। पहन किसने रखे हैं, हमारी मां ने। पहुंच किसके पास रहे हैं, पिता के पास। कामदेव कहां है, नूपुर में। अगर काम मातृत्व के माध्यम से आएगा तो पिता उसे स्वीकार करेगा, जगत पिता उसे स्वीकार। भगवान से वरदान मांगते हुए तुलसी बाबा जैसे बड़े व्यक्ति ने अंतिम पंक्ति में मांगा कि जैसे कामी को नारी प्यारी होती है, काम ही नारी प्यारी जिम लोभ ही जिम प्रिय धाम, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान महान। यह रघुनाथ के प्रति प्रेम में प्रतीक भी इस्तेमाल किया तो क्या इस्तेमाल किया। तो इस सदन में बैठे हुए जो हजारों हजार लड़के लड़कियां आए हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है, प्रेम बुरी चीज नहीं है, काम भी बुरी चीज नहीं है, प्रकृति के संचालन के लिए वो भी आवश्यक है। भगवान ने भी लव और कुश जैसे दो तपस्वी राजा पृथ्वी को दिए। भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हैं और उनके छोटे वाले, उनके बिना तो कुछ शुरू होता ही नहीं है। सबसे पहले भी हमने आते ही उनकी पूजा करी, वे गणपति सबसे आगे ही हैं। बुरा क्या है, बुरा है कि समाज में जो मर्यादा बनाई गई है, जो मातृत्व का माध्यम बनाया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ तो नहीं जा सकता और बोल भी नहीं सकता, मिलॉर्ड पता नहीं कब नाराज हो जाए, लेकिन मैं ये तो मान सकता हूं एक होता है सरकार का कोर्ट और एक होता है जनता की नैतिक मर्यादा का कोर्ट। आज इस नैतिक मर्यादा की कोर्ट में ये प्रस्ताव पास करके जाओ कि काम जब मातृत्व की शक्ल में आएगा तभी उसे स्वीकार किया जाएगा, इसके बिना स्वीकार नहीं। Thank you.